एवरीवन वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज राजेश अगेन विद नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल। फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 के बीच में फाइव रैशनल नंबर फाइंड करना। इसके लिए दो मेथड हैं। देखिए फर्स्ट वन 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो 3 और 4 को p by q के फॉर्म में 3/1 and 4/1 हम लिख सकते हैं। अब जितने रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं, 5 रैशनल नंबर्स यहाँ बताने हैं, तो 5+1 6 डेनोमिनेटर बनाएंगे दोनों का। अब इसका डेनोमिनेटर 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 से 1 को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन केवल हम डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। यहाँ भी 1 को 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया 18/6 एंड ये हो गया 24/6। अब 18/6 एंड 24/6 के बीच में रैशनल नंबर्स 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 and this is finally 24/6। अब ये 18/6 means 3 है, यहाँ 24/6 means 4 है, और इसके बीच में ये 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए 19/6 20/6 21/6 22/6 and 23/6। तो जब भी हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स बताने होंगे तो क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर्स बताने होंगे, मान लीजिए 5 बताना है यहाँ पे, तो जितना बताना होगा उससे प्लस 1 करके उसका डेनोमिनेटर बनाएंगे। यहाँ 3 and 4 का डेनोमिनेटर हमने 6 बनाया। 6 बनाने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में भी एंड 4 में भी। ये आ गया 18/6 and 24/6। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसके बीच के रैशनल नंबर्स को। चलिए अब मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ थ्री एंड फोर के बीच में फाइव रैशनल नंबर्स बताने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 3+4/2 ये आएगा 7/2। अब 7/2 थ्री एंड फोर के बीच में कहीं है। दूसरा एक रैशनल नंबर हमें मिल गया। दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए 3 and 7/2 का मिड निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3+7/2/2 2 3 6+7 13/4 आ गया ये। सिमिलरली हम यहाँ पे 7/2 and 4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 7/2+4/2 ये आ जाएगा 2 4 8+7 15/4। अब यहाँ पे 13/4 आ गया, यहाँ पे 15/4 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 and 13/4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 3+13/4/2 ये हो जाएगा 4 3 12 and 13 25/8 और यहाँ पे 13/4 and 7/2 13/4 and 7/2 के बीच में एक रैशनल नंबर पता कर लेंगे। 13/4+7/2/2 तो ये कितना हो जाएगा, 13+7 2 14 13 and 14 27 / 4 2 8
27/8। हमें 5 ही बताने थे, अब आपको जितने भी बताने होंगे इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ 7/2 एंड 15/4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। 15/4 एंड 4 के बीच में हम कर क्या रहे हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे 3 एंड 4 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना था तो 3 एंड 4 को ऐड किया अपॉन 2 किया, एक नया रैशनल नंबर 7/2 इनके बीच में पता चल गया। उसके बाद 3 एंड 7/2 के बीच में उन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, एक दूसरा रैशनल नंबर इनके बीच पता चल गया। सिमिलरली 7/2 एंड 4 को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, एक नया रैशनल नंबर फाइंड हो गया। इसी तरह से प्रोसेस को आगे करते जाएंगे। अब 5 रैशनल नंबर्स क्या क्या आ गए, एक 7/2, 13/4, 15/4, 25/8 एंड 27/8। तो इस तरह से दो मेथड है रैशनल नंबर फाइंड करने के बिटवीन टू रैशनल नंबर। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, रियल नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो या तो रैशनल या इरेशनल, जो भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। अब व्हाट इज इरेशनल नंबर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोज नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो भी नंबर ऐसे हों जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, कांट बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 0.01001001 एंड .001, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब एक यहाँ पे एग्जांपल है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। √2 होता क्या है, कितना है ये चलिए देखते हैं। मान लीजिए यूनिट स्क्वायर एक बनाते हैं हम, यूनिट स्क्वायर मीन्स ऐसा स्क्वायर जिसकी सारी साइड 1 यूनिट की हो, उन्हें यूनिट स्क्वायर कहते हैं। तो यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, अब ये भी 1 यूनिट का है, इसका लेंथ एंड ब्रेथ भी 1 यूनिट, इसके डायगोनल को अगर हम मीट कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, इसको नाम देते हैं OABC, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OB इक्वल टू √OA² मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस AB² भी 1 है, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 1 स्क्वायर 1, इट विल कम √2। तो OB कितना हुआ √2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर लाइन होती है, इस स्क्वायर OABC को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। 0 को O को 0 के ऊपर रखेंगे और A को 1 पर। अब यहाँ पे उसको हमने इस तरह से प्लॉट कर दिया, OABC। अभी OB जो था वो कितना था, √2। अब ये OB कितना हुआ, √2। तो हमें सिंपली करना क्या है, OB का डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे एज अ रेडियस और
नंबर लाइन पे इस तरह से आर्क मार देंगे यहाँ पे। समझ में आई बात आपको? ये ओ बी हमारा रूट टू है। हम क्या करेंगे, अपने कंपास में मेटल टिप को ओ पे या जीरो पर रखेंगे और बी तक का रेडियस लेंगे और सेम रेडियस से इस नंबर लाइन पे इस तरह से एक आर्क मार देंगे। और मान लीजिए ये पॉइंट ई हुआ, तो अब यहाँ जीरो से लेकर ई तक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, सेम होगा ना इसके ओ बी के रूट टू। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको रूट थ्री को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। नेक्स्ट एग्जांपल, लोकेट रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। अब रूट थ्री को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, सेम जैसे रूट टू को किया था उसी तरह से। अगर रूट थ्री के लिए हम देखें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो क्या होगा, ये रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अगर इस पूरे को रूट में करेंगे तो क्या आएगा, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन का स्क्वायर वन, मीन्स ये रूट थ्री आएगा। तो अब मान लीजिए ये रूट टू लेंथ का है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं वन यूनिट। अब जब इसे ज्वाइन कराएंगे तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ओ ई एफ। तो ओ एफ कितना होगा, ये होगा रूट ओवर ओ ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर। अब रूट ओवर ओ ई स्क्वायर मीन्स रूट टू का स्क्वायर टू एंड ई एफ स्क्वायर वन स्क्वायर वन, रूट थ्री आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे जैसे हमने लोकेट किया था रूट टू को, कुछ इस तरह से ही किया था, जीरो एंड वन के ऊपर इस स्क्वायर यूनिट स्क्वायर को प्लॉट किए थे ओ ए बी सी, ये वन था टू थ्री एंड सो ऑन। अब ओ बी का लेंथ रूट टू था और इसी के रेडियस से यहाँ पे आर्क मारे थे ओ ई तक, तो अब ओ ई जो हमारा हो गया था वो था रूट टू। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओ ई तक का डिस्टेंस कितना है, रूट टू है। अब यहाँ पे वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब इसे ओ से मीट कराएंगे ओ एफ, तो अब ये ओ ई एफ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे जैसा रूट टू के लिए किया था, इस तरह से ओ ई एफ हो गया। अब ओ एफ का लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ओवर ओ ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, तो ओ एफ आ जाएगा रूट थ्री। अब इस रूट थ्री को ओ एफ के रेडियस से एक नया आर्क लगा देंगे इस तरह से जी पर, तो जीरो से जी तक का जो लेंथ होगा ये रूट थ्री होगा। एक दूसरा मेथड, अब देखिए रूट थ्री इस नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए एक नया मेथड ये है कि ओ बी हमें पता चल गया रूट टू। अब यहाँ पे ओ बी पर ही एक परपेंडिकुलर इस तरह से वन यूनिट का ड्रॉ कर देते हैं, वन यूनिट का डी और ओ डी को ज्वाइन करा देंगे। अभी ये रूट टू है और ये वन, बेस रूट टू हाइट वन, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे ओ डी, तो ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा। इसी तरह से रूट फोर फाइंड करना हो तो अब ओ डी पर वन यूनिट का ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ई तक, अब ओ ई को ज्वाइन करा देंगे, ये रूट फोर हो जाएगा, रूट फोर मीन्स टू। सिमिलरली हम एक स्पायरल भी
इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आया? आप लोग ट्राई करिए, बहुत इजीली कर सकते हो। मैं एक बार इसे ब्रीफ कर दे रहा हूँ। रूट टू हमने कैसे बनाया था, वन यूनिट का डिस्टेंस लिया, इस पे वन यूनिट का इस नंबर लाइन पे वन यूनिट लिया जीरो, और इसे नाम दे दिया वन की जगह ए। अब यहाँ पे वन यूनिट का ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी, ओ से बी को ज्वाइन करा दिया, रूट टू फाइंड हो गया, क्योंकि ओ बी क्या होगा, ये हाइपोटेनस है, ओ ए बी का ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आ गया रूट टू। अब क्या किए, ओ बी पर वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी, एंड डी को ओ से ज्वाइन करा दिया, तो यहाँ पे ओ डी अब क्या निकल जाएगा, रूट ओवर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये आ गया टू प्लस वन रूट थ्री। इसी तरह से अब ओ डी पर वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ओ ई को ज्वाइन करा दिया, ओ ई कितना हो गया रूट ओवर ओ डी कितना है रूट थ्री है, तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस डी ई कितना है वन है, वन का स्क्वायर। अब ये आ गया रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन का स्क्वायर वन, तो ये आ गया रूट फोर, इसे हम टू भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाइए, रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन करते जाएंगे, एक स्पायरल का फॉर्म बना लेगा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, टिल देन थैंक यू एंड बाय।